तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर हम प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देख लिया है कि हमें मार्कशीट, सैलरी शीट, बिल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक सैलरी शीट बना के आपको बताया था, यही हमारा सैलरी शीट। अगर इसको हमें प्रिंट निकालना है, सैलरी शीट ने बना दिया, इसकी अगर कोई प्रिंट निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, और प्रिंट निकालते समय एक्सेल के अंदर पेज की सेटअप कैसे करना है, ये भी हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम प्रिंट को ना स्टार्ट करते हैं। प्रिंट निकालने से पहले आपको जिसका जितने एरिए का प्रिंट निकालना है, पहले उतने एरिए को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप आइए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हम B2 से सिलेक्ट कर रहे हैं मैटर को, जितना हमें प्रिंट निकालना है उतना हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये सभी देखो पेज लेआउट के मेनू का आज हमें पढ़ना है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इंसर्ट मेनू पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ये सब पूरा जो इम्पोर्टेंट था। यहाँ से पेज लेआउट में इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, और यही तीन इम्पोर्टेंट है प्रिंट निकालते समय। बाकी हेडर फुटर हम देखेंगे अभी प्रिंट सेटअप में। इसके बाद थीम है, थीम का क्या यूज है फ्रेंड्स, अलग अलग थीम है यहाँ पर देखो, वो सेट पाएंगे, गैलरी पाएंगे। तो देखना आप लोग सैलरी शीट का टेबल देखो चेंजिंग हो रहा है, तो जो थीम हमें चाहिए बेसिकली उस थीम पर हम क्लिक करेंगे तो ये थीम हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग प्रकार से थीम और स्टाइल। सेम ऐसे यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन होता है, थीम जो होती है उसके हिसाब से यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन होता है। देखो आप सैलरी शीट जिस सेल में हमने लिखा है और मर्ज किया है उसका कलर देखिए चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हम अपने कलर को सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इफेक्ट देना है तो उसी के नीचे से है इफेक्ट, और उसके बाजू में फॉन्ट, अगर हमें कोई फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज हम वहाँ से भी कर सकते हैं। पूरे टेबल की थीम फॉर्मेटिंग यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमें प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए पहले मैटर सेलेक्ट कर लो जितने का प्रिंट निकालना है, उसके बाद फाइल मेनू में आ जाओ, फिर ये रहा हमारा प्रिंट। हम जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमें प्रिंट का वैल्यू ओपन होके दिखेगा, ये प्रिंट का दिख रहा है प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स, क्योंकि विंडो 10 में हमने एमएस ऑफिस 2010 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट आ जाता है प्रीव्यू। आप यहाँ पे राइट साइड में प्रीव्यू भी दिखता है, और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में उसको सेटअप करने के लिए बॉक्स भी दिखता है पेज सेटअप के लिए। ठीक है, बट अगर आप 2007 में है तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू पे आप लोग जाइएगा, वहाँ पे सिलेक्शन आता है कि जितने एरिए को सेलेक्ट करना है बस उतने का हमें प्रिंट निकालना है। ठीक है, वहाँ से आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉपी दे सकते हैं, कितने कॉपी हमें प्रिंट निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं कितना हमें प्रिंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पेज की सेटिंग कर सकते हैं, 1 पेज, 2 पेज। ठीक है, ओके, अगर बहुत सारे पेज हैं तो एक पेज से कितने पेज तक हमें निकालना है वो दे सकते हैं। फ्रॉम टू मतलब कितने पेज तक निकालना है। ठीक है, अगर बहुत सारे पेज हैं तो। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन प्रिंट निकालते समय यहाँ पे, वहाँ पे आप लोग को अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे देना होता है कि जितना हमने सेलेक्ट किया है केवल उतने एरिए का ही प्रिंट निकालना है, तो उसको हम यहाँ से दे सकते हैं प्रिंट एक्टिव सीट। ठीक है, तो ये पूरे सीट की प्रिंट निकाल रहा है। ठीक है, बट हमें पूरे सीट की प्रिंट नहीं निकालनी है, जितना मैटर हमने सेलेक्ट किया था केवल उतने की निकालनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो पूरे वर्कबुक का भी हमें नहीं निकालना है, क्योंकि एक वर्कबुक में 255 सीट होती हैं, तो हमें वो भी नहीं करना है। और जिस सीट में थे हम, वो सीट का भी प्रिंट नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, प्रिंट जितना हमने मैटर सेलेक्ट किया था बस उतने का प्रिंट निकालना है। तो हम प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो देखो थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, अभी PF PT और नेट टोटल पूरे आ रहे हैं। ठीक है, अभी सिंपल हमें प्रिंट निकालना है तो, और यहाँ से तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरिएंटेशन देख लो, हमने बताया था पिछले वीडियो में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, लैंडस्केप में हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा प्रिंट एरिया है वो हमारा बेड़े बेड़े हो जाएगा, ये देखो ऐसा। और अगर हम पोर्ट्रेट कर देंगे तो खड़े खड़े A4 की साइज में निकलेगा ऐसा। और यहाँ से हम लेटर की साइज, तो किस साइज में हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट हमेशा A4 की साइज में निकलता है, तो A4 यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, A4 की साइज में प्रिंट निकलेगा, तो A4 में हमने किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो प्रोफेशनल टैक्स, प्रोवाइडेड फंड, इसके बाद नेट टोटल था जो कि कट जा रहा है, तो उसको हमें कैसे लाना है फ्रेंड्स, चलो हम देखते हैं उसको कैसे लाना है। तो पेज सेटअप में आ जाओ आप लोग, पेज सेटअप में आने के बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट लैंडस्केप यहाँ पे दिखता है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर प्रिंट निकालते समय देखना होगा आपको अर्जेस्ट वाला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। कभी भी अगर जो प्रिंट हमें निकालना है वो मैटर बाहर जा रहा है तो यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 100% नॉर्मल साइज में है, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 90 पे करके हम इसको करते हैं ओके। तो देखना कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं,
पीएफ नेट टोटल नहीं दिख रहा था, ओके करते हैं, मैं अभी दिखेगा। ये देखो अभी पूरा दिखने लगा, नेट सैलरी भी दिखने लगा हमें। तो ये होता है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेस्ट वाला ऑप्शन, राइट। और मार्जिन अगर हमें सेट करना है, जैसे यहाँ पे जो सैलरी सीट यहाँ पे आ रही है उसको और नीचे करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम मार्जिन दे सकते हैं यहाँ से। तो टॉप से अगर हम मार्जिन बढ़ाएं, 1.9 है, 1.9 को हम कर देते हैं 5, 6.9 या 7.4। अब जैसे हम टॉप से मार्जिन बढ़ाएंगे तो सैलरी सीट जो टेबल ऊपर है बहुत ज़्यादा, वो नीचे आ जाएगा। ये देखो बीच में आ गया। तो ये मार्जिन होता है, हम लेफ्ट राइट बॉटम से भी हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है। ये देखो बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, हीडर फुटर में कितना साइज रखना है भी दे सकते हैं, और हीडर फुटर हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि हमें हीडर में क्या लिखना है, हमें फुटर में क्या लिखना है, ठीक है। हीडर फुटर में अगर आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं तो उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। पेज नंबर यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज हीडर में जा करके आप लोग हीडर को लिख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट साइड में क्या लिखना है उसको लिख दो। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर SYB सोल्यूशन, हमने लिख करके लेफ्ट साइड में कर दिया ओके, राइट। और इसके बाद ऐसे अगर फुटर को भी कस्टमाइज करना है, फुटर फुटर पे कस्टमाइज फुटर में जाओ और यहाँ पे जो लिखना है लिख दो। हमने लिख दिया कि SYV केवल लिख रहे हैं फुटर में, हम दे देते हैं 1 और हम इसको कर देते हैं ओके, और इसको भी हम कर देते हैं ओके, ठीक है। तो ये देखिए हीडर हमारा यहाँ पे आया हुआ है SYV सोल्यूशन, और फुटर हमारा यहाँ पे आया हुआ, चूंकि हमने लेफ्ट में दिया था तो दोनों लेफ्ट साइड में रहेंगे। अगर हम सेंटर में दिए होते तो सेंटर, और राइट साइड में दिए होते तो राइट साइड में कस्टमाइज करके हीडर फुटर हमारे पेज में आ जाता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमें इतने का प्रिंट निकालना है, तो सिंपल यहाँ प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करो, ये प्रिंट निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो अगर हमें बॉर्डर लाना है तो हम बॉर्डर को कैसे ला सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाने के लिए हम क्या करते हैं, आते हैं अपने सीट पे, ये है इस पूरे मैटर को जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसी को हम फिर से वापस सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर देना है चारों तरफ से। तो हमें होम मेनू में आना होगा, होम मेनू में आने के बाद ये है हमारा बॉटम बॉर्डर, तो हमको ऑल बॉर्डर करना है, ठीक है। राइट लेफ्ट ये सब हमने बताया था पिछले, ऑल बॉर्डर जब हम करेंगे तो हमें बॉर्डर मिल जाएगा। ये देखो आ रहा है ब्लैक कलर का बॉर्डर। अब अगर हम प्रिंट निकालते हैं, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फाइल मेनू, फाइल मेनू के बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद ये देखो अभी बॉर्डर वाइज प्रिंट आ रहा है, हीडर फुटर आ रहा है, SYV सोल्यूशन, ये रहा फुटर हमारा। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रिंट कैसे निकालना है, प्रिंट निकालते समय हमें पेज की सेटिंग कैसे करनी है। इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ पे A4 साइज आप लोग दे देना, और दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रिंट का सिलेक्शन एरिया दे देना। प्रिंट में जाकर के प्रिंट सिलेक्शन में जाएंगे हम, ठीक है। तो जितना हमने सेलेक्ट किया उतने का प्रिंट निकलेगा, और यहाँ से पेज की सेटिंग हम कर सकते हैं, जिसमें से जो कि इम्पोर्टेंट क्या है, केवल मार्जिन, हीडर फुटर, और यहाँ से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो इतना फ्रेंड्स रखते हैं इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, जब भी आपका कभी कटता है तो आप यहाँ से एडजस्ट टू में जा करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ से एडजस्ट कर लेगा वो सीट को, बस इतना आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ज़्यादा एडजस्ट कर लिया यहाँ से, ये होता है, इसको आप लोग ध्यान देने दीजिएगा बस, राइट। और ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स, तो इसको हम 95 पे ही रख देते हैं, 75 पे नहीं, 85, 90 पे काफ़ी अच्छा हमारा प्रिंट निकल रहा है, राइट, परफेक्ट निकल रहा है। ओके डन।